हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम साइकोलॉजी एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरी ऑफ लर्निंग एम्फसाइज ऑन मेकिंग द स्टूडेंट एक्टिव फॉर डिस्कवरी ऑफ नॉलेज इन प्लेस ऑफ बिकमिंग अ पैसिव लिसनर। तो आपको बताना है कि वो लर्निंग की कौन सी थ्योरी है जो इस चीज पर एम्फसाइज करती है कि हमें बच्चों को पैसिव लिसनर के बजाय हमें उन्हें एक्टिव बनाना है, ताकि वो नॉलेज की डिस्कवरी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। मतलब कि वो सिर्फ पैसिव लिसनर की तरह ना रहें, वो एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व रहे कि वो नॉलेज को डिस्कवर कर सके, उसको कंस्ट्रक्ट कर सके। तो हम जानते हैं कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, इसका मानना है कि हमें बच्चों को नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने देना चाहिए, खुद उनको लर्न करने देना चाहिए। तो यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं नॉलेज की कंस्ट्रक्शन में, उसकी डिस्कवरी में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मोटिवेशन प्रोसेस। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मोटिवेशन प्रोसेस का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर जो मोटिवेशन प्रोसेस का पार्ट नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, हेरिडिटी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज अ टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू मोटिवेट डेलिक्वेंट चिल्ड्रन। तो आपको बताना है कि एज अ टीचर इनमें से कौन सा सबसे सही तरीका है डेलिक्वेंट बच्चों को मोटिवेट करने का। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा तरीका है वो है आपका ऑप्शन ए, कि हमें स्कूल में इन बच्चों के लिए गेम्स और स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड करवानी चाहिए। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इनफ अपॉर्चुनिटी ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स शुड बी प्रोवाइडेड इन स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच दी फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दिए हैं और दूसरी तरफ इनके सपोर्टर दिए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा साइकोलॉजिस्ट किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को सपोर्ट करता है। तो हम जानते हैं कि जो बिहेवियरिज्म है उसमें आपके स्किनर आ जाते हैं, और जो साइकोएनालिसिस है इसमें फ्रॉयड आ जाते हैं, और जो जेस्टॉल्टिज्म है इसमें आपके मैक्स वर्डमेयर आ जाते हैं, और जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं इसमें वाइगोट्स्की आ जाते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अ प्रॉब्लम हैज मोर देन वन प्रोबेबल सॉल्यूशन एंड द थिंकिंग प्रोसेस विच क्रिएट दोज प्रोबेबल सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम इज कॉल्ड। तो पूछा गया है कि जब किसी प्रॉब्लम के एक से ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं, तो यहाँ पर जो थिंकिंग प्रोसेस है जो कि इन सॉल्यूशंस को क्रिएट करता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी कर चुके हैं, कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है इसका यूज ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में होता है जहां पर किसी प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑपरेंट कंडीशनिंग एम्स टू कंडीशन व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर। तो आपको बताना है कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो किस तरह के बिहेवियर को कंडीशन करती है। तो ये एमिटेड रिस्पॉन्सेस को कंडीशन करती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एमिटेड रिस्पॉन्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी कैन डिफाइन इंटेलिजेंस एज। तो आपको बताना है कि हम इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारी योग्यता है कि हम चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट तरीके से सोच सकते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज टू। तो आपको बताना है कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है इसका मुख्य गोल क्या है। तो इसका जो मुख्य गोल है वो है लर्निंग और डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करना। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज टू फैसिलिटेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ की प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज। तो आपको बताना है कि इनमें से एजुकेशनल साइकोलॉजी का मुख्य प्रिंसिपल कौन सा है। तो इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो है आपका डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेचर नर्चर डिबेट इन एजुकेशनल साइकोलॉजी रेफर्स टू दी। तो आपको बताना है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो नेचर नर्चर डिबेट है वो क्या है। तो जो नेचर नर्चर डिबेट है ये आपकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से जुड़ी है। तो जो नेचर है इसका मतलब होता है हेरिडिटी, और जो नर्चर है ये आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक्स वर्सेज एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन लर्निंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस अबाउट थिंकिंग फीलिंग एंड एक्शंस इज। तो आपको बताना है कि जब हम हमारे थिंकिंग फीलिंग्स और एक्शंस के प्रति जिस हद तक हम कॉन्शियस रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो इस चीज को हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सेल्फ अवेयरनेस। तो आपको याद रखना है दैट सेल्फ अवेयरनेस इज द डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस अबाउट थिंकिंग फीलिंग एंड एक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो आपको बताना है कि जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है यानी ZPD है, इसका कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है। तो जो ZPD है इसका कॉन्सेप्ट लेव वाइगोट्स्की ने दिया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लेव वाइगोट्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मेथड द इंडिविजुअल ऑब्जर्व्स एंड एनालाइजेस हिज ओन बिहेवियर। तो आपको बताना है कि वो कौन सा मेथड है जहां पर इंडिविजुअल अपने बिहेवियर को खुद ऑब्जर्व करता है और उसे एनालाइज करता है। तो ये आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इस पर हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बात की है कि जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है ये साइकोलॉजी में स्टडी का सबसे पुराना मेथड है और यहाँ पर जो इंडिविजुअल होते हैं वो खुद अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और एनालाइज करते हैं। और आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट और इन्विजिलेटर होते हैं वो दोनों एक ही पर्सन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाटियाज बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ। तो आपको बताना है कि जो भाटिया बैटरी इंटेलिजेंस टेस्ट है इसमें कितने सब टेस्ट होते हैं। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बात की है कि जो भाटिया बैटरी है इसमें 5 सब टेस्ट रहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 5 सब टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु यूज द टर्म मेंटल एज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपको बताना है कि ये जो टर्म है मेंटल एज ये सबसे पहले किसके द्वारा यूज की गई थी। तो ये सबसे पहले बीने ने यूज की है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बीने। आपको याद रखना है कि जो अल्फ्रेड बीने हैं इन्हें फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है और जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट है ये भी आपका अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who said learning is the acquisition of habits, knowledge and attitude? तो आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है that learning is the acquisition of habits, knowledge and attitude किसके द्वारा दी गई है। तो यह जो स्टेटमेंट है इसे क्रो एंड क्रो ने दिया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अटेंशन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट अटेंशन के बारे में सही नहीं है। तो जो स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, दैट अटेंशन इज स्टेबल। इसके अलावा यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई हैं वो सभी आपकी अटेंशन के बारे में सही है। तो आपको याद रखना है कि जो अटेंशन है वो सिलेक्टिव प्रोसेस है और यहाँ पर हमारा कॉन्शियस माइंड प्रोसेस में रहता है और अटेंशन के लिए किसी ना किसी पर्पस की एग्जिस्टेंस जरूरी होती है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट गलत है वो है आपका ऑप्शन डी, दैट अटेंशन इज स्टेबल। आपको याद रखना है कि जो अटेंशन है वो स्टेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वायर्ड ट्रेड। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक्वायर्ड ट्रेड है। यदि हम ट्रेड के टाइप्स की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स और एक्वायर्ड ट्रेड्स। जो इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं वो हमें विरासत में मिले होते हैं, मतलब कि ये जीन्स के थ्रू हमारे पेरेंट्स से हमें आए होते हैं। जैसे कि हमारे बालों का कलर हो गया, हमारा आई कलर हो गया, ये कुछ इनहेरिटेड ट्रेड्स के एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ जो एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं ये ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो कि हमने बाहर से एक्वायर किए होते हैं, मतलब कि ये ट्रेड्स हमें विरासत में नहीं मिले होते हैं बल्कि हमने इन ट्रेड्स को एक्वायर किया होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से जो एक्वायर्ड ट्रेड है वो है आपका ऑप्शन सी, सनटैन। इसके अलावा जो आई कलर है, ब्लड टाइप है, हाइट है, ये सभी इनहेरिटेड ट्रेड्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएशन ऑफ सेल्फ बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन और सोशल कंपैरिजन इज नोन एज। तो पूछा गया है कि जब हम सोशल कंपैरिजन और रिफ्लेक्शन के बेस पर खुद को इवैल्यूएट करते हैं, खुद की इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो इस चीज को हम सेल्फ एस्टीम कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सेल्फ एस्टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Which factor refers to an individual's ability to acquire and apply knowledge? तो आपको बताना है कि इंडिविजुअल की वह एबिलिटी जिससे वो नॉलेज को एक्वायर करता है और अप्लाई करता है उसको हम क्या कहते हैं। तो इसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी इंटेलिजेंस। तो आपको याद रखना है कि इंटेलिजेंस इंडिविजुअल की वो एबिलिटी है जिससे वो नॉलेज को एक्वायर करता है और उसे अप्लाई करता है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।